ज़ीरो डायपोल मोमेंट किसकी होती है? तो बेटा मशहूर ज़माना BF3, ये तो बहुत पेपर में पूछते हैं कि BF3 की डायपोल मोमेंट कितनी होती है, क्योंकि देखो ये ऐसे 120 डिग्री में बनते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सारा इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहे हैं अगर दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगी? वी शेप होगी। फिर कह रहे हैं एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इंक्रीज इट बॉट एंगल। देखो sp3 में एस करेक्टर सिर्फ होता है 25%, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। sp2 में होता है 33%, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और sp में होता है 50%, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। फिर इस कंपाउंड का नाम पूछ रहे हैं। देखो वन के लिए जो अब IUPAC में आता है, वन के लिए अन, टू के लिए बाय, ज़ीरो के लिए नील, अन बाय नीलियम, और जो UBN इसका सिंबल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 है, तो ऑफ कोर्स ये हैलोजन्स होते हैं भाई। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस 0 होती है। फिर कह रहे हैं टू मेंबर ऑफ डायबोनियर सीरीज आर फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, थर्ड मेंबर ऑफ ट्रायोड। तो भाई ये दोनों ग्रुप 5 में आते हैं, ऊपर नाइट्रोजन आता है और दरमियान में आता है आर्सेनिक, तो करेक्ट आंसर हो जाए। फिर कह रहे हैं व्हाट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन अल्कोहल फॉर फॉलोइंग रिएक्शन? ROH प्लस HCl से जिंक क्लोराइड RCl वाटर बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर कह रहे हैं पाई बॉन्ड इन कार्बोनाइल ग्रुप इस फॉर्म बाय, तो आंसर है PP ओवरलैपिंग। फिर IUPAC नेम ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। देखो इथाइल यहाँ है, आइसोप्रोपाइल यहाँ है, और ये कीटोन है, तो ये होगा 2-methyl-3-pentanol। फिर कह रहे हैं कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। एक मेथड है पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम एसीटेट, दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो ऑल ऑफ दैम। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ, तो किसके साथ रिएक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल ओनली। विच ऑफ फॉलोइंग हैज प्लेजेंट स्मेल? देखो इसका सिलसिला ये होता है कि जो शुरू के एल्डिहाइड है इनकी स्मेल बड़ी ख़राब होती है, लाइक मीथानल, ये तो पंजंड होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे स्मेल अच्छी होगी, तो इनमें सबसे अच्छी होगी हेक्सान। देखिए लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, तो भाई देखो बात ये होती है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री में से हमने कहा 3rd डिग्री का कम होगा, और ये सारे हैं नाइट्रोफेनॉल, तो हमेशा लोवेस्ट इसका होगा बिल्कुल जो सामने है ऑर्थो। मेटा का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा पैरा का। OH जितने ज़्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे कि देखो यहाँ कह रहे हैं कि CH3OH, C3H7 और C20H11OH, इसमें अब ज़्यादा सॉल्युबल वो होगा जिसके अंदर मॉलिकुलर वेट कम होगा। सबसे कम मॉलिकुलर वेट किसका है? CH3OH का। और लेस सोल्युबल कौन होगा? जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है। क्योंकि देखो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल इज करेक्ट? अल्कोहल ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आर सोल्युबल इन वाटर, बिल्कुल जी ये एग्जांपल देख चुके हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन वाटर, ये भी होता है। अल्कोहल एवोपरेट क्विकली, ये बात भी होती है। फिर कह रहे हैं 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स, तो ये होगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। फिर है लुकास टेस्ट इज डन टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल। फिर कह रहे हैं लुकास रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, तो कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक। देखिए ये CH2OH, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल या डायहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं इसे, एंटी फ्रीज सोल्यूशन भी कहते हैं। फिर OH के साथ CH3, तो ये आपका मेटाग्रेसोल या फिनोलिक OH। तो फिर कह रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेंड फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड बाय। अब देखो जब भी OH चाहिए H की जगह, हमेशा कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है? कैनिसारो। फिर कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रिग्नॉट रिएक्शन बाय रिएक्शन ऑफ, तो इथाइल अल्कोहल अगर प्रिपेयर करना है हमने ग्रिग्नॉट रिएक्शन से, तो एल्डिहाइड हम यूज़ करेंगे।
क्योंकि एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। फिर है अल्केन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय, देखो अब यहाँ अलग होगा मामला। एल्डिहाइड से अल्कोहल के लिए सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, कैनिसारो भी हो सकता है। लेकिन जब अल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे इसमें वाटर। फिर कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री। फिर है लोअस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका इसका, तो ये आंसर हो जाएगा।